3 मार्क्स का आपको जरूर पूछा जाएगा। ठीक, तो याद रखे भाई कि 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आने ही आने हैं भाई, है ना। अब ये बैंक पीओ में भी आते हैं और बैंक क्लर्क में भी आते हैं। ओके, क्लर्क और पीओ दोनों में आएगा भाई ब्लड रिलेशन, तो बहुत जरूरी है भाई। और या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम डालो, आप रेलवे देख लो, यूपीएससी एमपीएससी देख लो, सभी में ब्लड रिलेशन जरूर पूछा जाता है। तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आप खुद ही समझ लो आप। ठीक, चलिए बढ़ते हैं ब्लड रिलेशन की आगे की तरफ। तो जरूरी चीज जो है, 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं इसमें। पहला है भाई इंट्रोड्यूसिंग फॉर्म, इंट्रोड्यूसिंग फॉर्म, है ना। दूसरा क्या है भाई, जिसे पॉइंटिंग फॉर्म भी कहा जाता है भाई, इंट्रोड्यूसिंग को क्या कहा जाता है, पॉइंटिंग फॉर्म भी, है ना। दूसरा है कोडिंग फॉर्म और तीसरा है पजल फॉर्म। ठीक, पजल फॉर्म सीधे 5 मार्क्स में आता है भाई, एक क्वेश्चन देके नीचे 5 क्वेश्चन पूछता है भाई, है ना। ब्लड रिलेशन की पजल आए तो इसको सोच समझ के करना, क्योंकि 9 से 10 लाइनों की रहती है, काफी बड़ी पजल रहती है, इसलिए समय भी ज्यादा लगता है ना। डबल वेरिएंट के साथ साथ आपस में रिलेशन भी दिया गया होता है, तो जब रिलेशन दिया गया होगा तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। ओके, चलिए तीनों तरीके के फॉर्म आने दो, कोई बात नहीं, यदि अच्छी प्रैक्टिस है तो पूरे नंबर लोग यहां से उठाते हैं, है ना। पॉइंटिंग फॉर्म सीधा 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, जैसे क्या होता है भाई कि एक बंदा दूसरे की ओर इशारा करते हुए इसमें अपनी बात को कहता है कि फलाना ने ए ने बी की ओर इशारा करते हुए कहा, है ना। ऐसे क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे, एक आय के अंतर्गत आते हैं भाई, इंट्रोड्यूसिंग फॉर्म के अंतर्गत, है ना, कि ए ने बी की ओर इशारा करते हुए कहा, बी ने सी की ओर देखते हुए कहा, ऐसा रहता है ना, ये इंट्रोड्यूसिंग फॉर्म कहलाता है। दूसरा क्या है भाई, कोडिंग फॉर्म प्लस माइनस इनटू डिवाइड करके कुछ कोड दिए गए होते हैं, है ना, और उन्हीं से रिलेटेड नीचे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, लेकिन एक बार कोड देके 2 से 3 क्वेश्चन तक पूछता है। मेन स्पेस के क्वेश्चन बहुत आते हैं कोडिंग फॉर्म के, ठीक है। और ब्लड रिलेशन को आप इग्नोर तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये आएगा जरूर भाई, ये सोच लेना कि ब्लड रिलेशन आएगा जरूर और आपने करना है। अब कैसे करना है अब आप ये जान लो, ठीक। और तीसरा पजल फॉर्म आजकल सबसे ज्यादा हो, 2020 का भी आप आईबीपीएस उठा लो, ब्लड रिलेशन की पजल थी, 22 में भी कुछ सेट में थी कुछ में नहीं, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन आता जरूर है, ठीक। चलिए तो बढ़ सकते हैं अब हम इसके क्वेश्चनों की तरफ। ये देखिए, है ना, 1 से 3 का क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके सामने। ये आगे चला गया थोड़ा सा, 1 मिनट। ओके, ये आ गया भाई, कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिले हो गया। 1, 2, 3 मतलब 1, 2, 3 तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड, है ना। क्वेश्चन को पढ़ के आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। इसे क्या बोलता है भाई क्वेश्चन, इन अ फैमिली ऑफ 8 पर्सन, एक परिवार में लोगों की संख्या कितनी है भाई, 8 लोग है ना, और जनरेशन कितने, 3, ठीक। एम इज द ओनली सन ऑफ एक्स, ओके, एम एक्स का इकलौता बेटा है, ये बना दिया भाई हमने। Who, मतलब कौन, X, इस सन इन लॉ ऑफ T, X जो है खुद सन इन लॉ है T का, मतलब T की कोई बेटी है, उसकी शादी किससे हुई है, X से, ठीक। S is spouse of T, ये देखिए S और T आपस में मैरिड कपल हो गए। K सिस्टर इन लॉ ऑफ Y, अब दो 8 लोग थे, 5 तो ड्रॉ हो चुके हैं, और K को बोला, K जो है वो सिस्टर इन लॉ है, ननद या भाभी कोई भी हो सकती है ना, ये सिस्टर इन लॉ है वाई की, तो के जो है सिस्टर इन लॉ है वाई की, तो ना तो के का पता ना तो वाई का पता, तो आगे बढ़ना पड़ेगा। वाई, हु इज द फादर इन लॉ एल, और वाई जो है वो फादर इन लॉ है एल का, अब फंसा दिया उसने थोड़ा सा, क्योंकि एल का भी आता पता नहीं है। और आगे बढ़ते भाई, यहां से अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया है ना, यहां तक
वाई डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, वाई का कोई सिबलिंग नहीं है, जेड इज द मदर ऑफ एक्स, जेड एक्स की मदर है, एक्स की मदर कौन है भाई? अच्छा यहाँ ये इनके माँ बाप थे, अब एक्स की मदर भी आ गई है कौन? जेड, ठीक है, मतलब जेड और एस टी लोग क्या हुए भाई? एस और टी लोग है ना, जेड जो है वो एस और टी के साथ क्या रिश्ता बनाता है मालूम है आपको? समधी का, समधी समधन समझते हैं भाई, समधन है ना, जेड फीमेल है तो समधन का, ठीक, जेड इज द मदर ऑफ एक्स एंड स्पाउस ऑफ वाई, ओके, ये लो भाई, ठीक, एक दो तीन चार पांच छह सात, टोटल कितने थे भाई? आठ लोग थे तो सात तो ड्रॉप हो चुके हैं है ना, जेड इज द मदर ऑफ एक्स एंड स्पाउस ऑफ वाई, टी एंड एम आर द सेम जेंडर, टी और एम सेम जेंडर के हैं, ठीक, टी और एम, तो टी मेल हो जाएगा तो एस फीमेल हो जाएगी, ओके, अब जो लाइनें छोड़ी थी उस पर ध्यान दे देते हैं हम, के इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ वाई, के जो है वो सिस्टर इन लॉ है वाई की, के इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ वाई, के कहां जाएगी? यहां, और एक्स का भाई कौन हो जाएगा? के इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ वाई, ये लो भाई, ये लीजिए भाई, ये हो गया कंप्लीट, सारे लोग आ गए भाई, है ना, अभी वाई का जेंडर नहीं पता कहीं दिया है क्या? के इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ वाई, हु इज द फादर इन लॉ ऑफ एल, जब आठ ही लोग हैं भाई तो आठ तो यहाँ कंप्लीट हो गए हमारे, ये ज्यादा कैसे हो रहे हैं? एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, थ्री जनरेशन, ए इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ वाई, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया भाई, है ना, के एंड जेड, ये देखिए के और जेड जो थे क्या, हाउस के और जेड क्या थे भाई? आपस में जेड और वाई आपस में मैरिड कपल है ना, तो हमारा भी वाई और जेड देखिए ये मैरिड कपल है भाई बिल्कुल, और फिर एक टी और एस भी मैरिड कपल है, तो टी और एस हमारा भी बिल्कुल मैरिड कपल था, ये टी और एस, जिसमें टी मेल और एस फीमेल, यहां तक तो कोई गड़बड़ नहीं किया, फिर जेड और वाई का बेटा कौन है भाई? एक्स, जेड और वाई का बेटा कौन है? जी हाँ बिल्कुल, हमारा भी एक्स बेटा था है ना, और एक्स की शादी किससे हुई है? एल से, ओके, यही गड़बड़ किया था, एक्स की शादी किससे हुई है भाई? एल से, ओके, एक्स की शादी हुई है एल से, और एक्स और एल का बेटा कौन है भाई? एम, एक्स और एल का बेटा कौन है भाई? एम, एक दो तीन चार पांच छह सात ही हुए अभी तक भी, और जेड और वाई के अलावा के जेड का भाई भी है भाई, के जो है जेड का भाई है, ओके, ये हो गया, यहाँ गड़बड़ किया था, ठीक है भाई, ठीक चलेगा, अब आंसर कर सकते हैं हम, यहाँ समझ में आया भाई, ये वाई और जेड थे, ये जो के था यहाँ से जगह जेड का ब्रदर था भाई ये, ओके, के जेड का भाई था, हाउ इज के रिलेटेड टू जेड, के जेड का सॉरी के जेड का भाई नहीं बहन है, सॉरी के जेड की बहन है, ये देखिए ना के जो है माइनस थी और जेड की बहन थी, जेड और वाई आपस में एक कपल है, के जेड की सिस्टर है, ओके, के इज रिलेटेड टू जेड सिस्टर, ओके, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, हाउ मेनी मेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली, मेल मेंबरों की संख्या क्या है परिवार में, हाउ मेनी मेल मेंबर, मेल मेंबर कितने भाई? एक दो तीन और ये चार है ना, ये दोनों फीमेल, ये भी फीमेल, ये भी फीमेल, चार फीमेल हो गई हैं तो चार ऑटोमेटिक मेल होंगे, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या है चार और महिलाओं की भी संख्या है चार, Who among the following person is paternal grandfather of M?
पैटर्नल ग्रैंडफादर कौन है, मतलब दादा कौन है एम का, तो एम का दादा कौन है भाई, यहां से ही पता चल रहा है कि एक्स के माँ बाप कौन है वाई और जेड, तो वाई क्या हुआ दादा, ऑप्शन नंबर डी है ना। एम के माँ बाप कौन है एक्स और एल, और एक्स और एल के एक्स के पिता कौन है भाई वाई है ना, एल के पिता कौन है टी और एस, तो वो नाना नानी हुए, लेकिन पैटर्नल पूछा है ना, मैटर्नल पूछता तो टी आंसर आता, लेकिन पैटर्नल पूछा है तो राइट आंसर इज वाई। ठीक जी, लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 to 5, एक बार आप जरूर प्रयास कीजिए भाई, यू हैव 1 मिनट, ट्राई एंड डू फास्ट। चलिए मेरी बारी आ गई, फटाफट ड्रॉ करते हैं भाई अपन। देयर आर 8 मेंबर्स KLMNOPJNR इन द फैमिली ऑफ 3 जनरेशंस, देयर आर ओनली 3 मैरिड कपल्स इन द फैमिली, ओके, देयर इज नो सिंगल पेरेंट इन द फैमिली, कोई भी सिंगल पेरेंट नहीं है का मतलब एक आदमी जो होगा उससे कोई भी सन और डॉटर नहीं होगा है ना, नो फीमेल हैज सिबलिंग्स, ओके, किसी भी फीमेल का कोई सिबलिंग नहीं है भाई। ठीक, के इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एम, के जो है वो सिस्टर इन लॉ है एम की, के इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एम मतलब के का कोई पति है और उस पति की बहन कौन है या भाई कौन है एम, एम का जेंडर नहीं पता लेकिन के का पता चल गया, हु इज द अंकल ऑफ पी है ना, एम जो है मेल है और वो अंकल है पी का, मतलब पी किन लोगों का बच्चा होगा, के और ये खाली डब्बे का है ना, इनकी संतान कौन होगी भाई पी, क्योंकि तभी एम चाचू बनेगा, एंड ही इज नॉट मैरिड, एंड मतलब किसकी बात हो रही है पी की है ना, एंड हु इज अंकल ऑफ पी एंड ही इज नॉट मैरिड, ठीक है, और एम की शादी नहीं हुई है, ठीक, एम की बात हो रही भाई, एम मैरिड नहीं है, एम ऐसा ही है, आर इज द डॉटर ऑफ एन, आर एन की लड़की है, ओके, आर इसकी लड़की है भाई एम की, आर इज डॉटर ऑफ एन हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ पी, आर एन की लड़की है और पी की सिस्टर इन लॉ है, आर जो है एन की लड़की है ना, और पी की सिस्टर इन लॉ है, तो ये लाइन अभी करेंगे अपन आराम से, आगे बढ़ते हैं, जे इज मैरिड एंड सी डज नॉट हैव एनी चाइल्ड, जे शादीशुदा है और उसका कोई भी बच्चा नहीं है, एल इज नॉट द फादर ऑफ आर, एल इज नॉट द फादर ऑफ आर, एल आर का पापा नहीं है, ओके, चलिए आर इज द डॉटर ऑफ एन, आर एन की लड़की है, आर इज द डॉटर ऑफ एन, टोटल लोग कितने 8, 1 2 3 4 लोग हो चुके हैं ना, ओके, के इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एम, ये भी हो गया हमारा, के इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एम, हु इज द अंकल ऑफ पी एंड इज नॉट मैरिड, आर इज द डॉटर ऑफ एन, आर एन की लड़की है, ठीक, आर एन की लड़की है, हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ पी, और पी की सिस्टर इन लॉ है, पी की सिस्टर इन लॉ कब बनेगी भाई, ये आर एन की लड़की है, आर एन की लड़की है ना, और पी की सिस्टर इन लॉ है, मतलब पी की जिससे शादी हुई होगी उसकी बहन कौन होगी भाई आर है ना, आर एन की लड़की है और पी की सिस्टर इन लॉ है, आर आ जाएगा यहाँ, और इनके माँ बाप कौन हो जाएंगे, इनके भी और इनके भी कौन एन, आर
इनकी लड़की है, ओके है ना, आर इज द डॉटर ऑफ एन, हु इज सिस्टर इन लॉ पी, ओके आर एन की लड़की है और सिस्टर इन लॉ है पी की, एंड हु इज सिस्टर इन लॉ पी, जे इज मैरिड एंड सी डज नॉट हैव एनी चाइल्ड, जे एक शादीशुदा है, एन इज नॉट द फादर ऑफ आर, ये यहां से अपन ने हटाया इसको जरा अब ड्रॉ करेंगे अपन, है ना, ओके पी और जे शादीशुदा है ना, पी किस, पी और जे शादीशुदा है, पी और ओ आपस में भाई बहन है, पी और ओ भाई बहन है, इसमें पी की शादी किससे हुई है भाई, जे से, और ओ की शादी किससे हुई है भाई, ओ की शादी हुई है भाई एल से, है ना, और ओ का लड़की है कौन, आर, ओ की लड़की है आर, ये इस तरह से बनेगा भाई। अब देखते हैं जरा क्वेश्चन, आर इज द डॉटर ऑफ एल, अब बना भाई, आर इज द डॉटर ऑफ एल, हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ पी, आर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एन, और एन जो है वो सिस्टर इन लॉ है पी की, ओके हाँ जी, अब पी की बिल्कुल सिस्टर इन लॉ हो गई, और के और इसके बच्चे थे बॉक्स के, पी और ओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बचा कोई, 1 2 3 4 3 7, के एल एम, के की शादी हुई है किससे, एल से, 7 और 1 8, बिल्कुल बरोबर है, ठीक, क्लियर। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते भाई, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ओ विथ रिस्पेक्ट टू एल, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ओ रिस्पेक्ट टू एल, ओ किसका संबंध एल से क्या है भाई, ओ का संबंध है एल से डॉटर, ओ और पी, पी जो है एल का बेटा है और ओ जो है एल की बेटी है ना, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू, ओ एंड जे आर सिबलिंग्स, नहीं है ट्रू, ओ एंड जे आर सिबलिंग्स, ओ और जे सिबलिंग नहीं, आर इज द डॉटर ऑफ ओ, आर इज द डॉटर ऑफ ओ, ये ठीक है, ओ इज द नेफ्यू ऑफ एम, ओ इज द नेफ्यू ऑफ एम, ये भी ठीक है, ओनली वन, ऑप्शन नंबर सी, पांचवी का ऑप्शन सी, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 to 8, क्वेश्चन नंबर 6 to 8,
चलिए भाई ड्रॉ करते हैं। सेवन मेंबर ऑफ फैमिली कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन इन विच दो ही जनरेशन में है भाई सात लोग पर टू मैरिड कपल। पी इज द फादर इन लॉ ऑफ जे। पी जो है फादर इन लॉ है जे का। पी फादर इन लॉ है किसका? जे का। मतलब पी की शादी किसी से हुई है, ठीक है, और उनका कोई बच्चा है और उसकी शादी किससे हुई है? जे से। पी इज द फादर इन लॉ ऑफ जे हु इज मैरिड टू ओ। ओके, और जिसकी शादी किससे हुई है? ओ से। जे और ओ आपस में हस्बैंड वाइफ है ना, और ओ पी और ए इसका बच्चा है भाई। ठीक, आगे क्या बोलता है भाई? ओ इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ सी। ओ ब्रदर इन लॉ है तो जे पत्नी हो गई भाई, है ना। ओ इज ब्रदर इन लॉ ऑफ सी, मतलब जे का भाई या बहन कौन है? सी। ठीक है, क्यू इज द नेफ्यू ऑफ ए। क्यू इज द नेफ्यू ऑफ ए। अब ये सबसे अलग ही आ गया कुछ तो इसलिए छोड़ना पड़ेगा इस लाइन को। हु इज द ब्रदर ऑफ एच। ए जो ब्रदर है एच का। यहां तक छोड़ा भाई। जे एंड सी वर सेम जेंडर। जे और सी सेम जेंडर है भाई। No person in the family had more than one sibling. No person in the family had more than one sibling. किसी का भी एक से ज्यादा sibling नहीं है। J का तो एक हो गया C, है ना? और O का हो सकता है, अब O का कौन हो सकता है भाई? Q, क्योंकि उसी का बच्चा है और वो ऊपर नहीं रख सकते क्योंकि दो ही जनरेशन है। और Q जो है वो भतीजा है, नेफ्यू है ना, तो मतलब Q का कोई चाचा भी है और चाचा कौन है भाई? A। ओके, चाचा है मतलब वो किसका भाई हो गया? पी का। ठीक, पी का भाई कौन है? ए, चाचा है क्योंकि। ओके ठीक, तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। पी का एक है और इसका भी हो सकता है क्योंकि अंकल का मतलब मामा भी होता है ना, तो आइदर हो सकता है, पी का भी भाई हो सकता है ए या इसका भी हो सकता है ए। ओके, अब कंप्लीट हो गया। ये बहुत छोटा सा था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। पी इज मैरिड टू द ओनली ब्रदर ऑफ ए। पी इज मैरिड द ओनली ब्रदर ऑफ ए। ये देखिए ऐसी तरह का हमारा भी बना था। पी इज द ओनली ब्रदर ऑफ ए। पी इकलौता भाई है क्या ए का? ये श्योर नहीं है अभी। एच का भी भाई हो सकता है, इसीलिए देखिए यहाँ ऑब्लिक लगा हुआ है। पी या एच किसी का भी भाई हो सकता है भाई, है ना। तो ये क्या हो गया? गड़बड़। O is the brother of Q. O Q का भाई है। O Q का भाई है जी हाँ, ये पक्का था। O Q का भाई है। C is the sister of J. C is the sister of J. C बहन है नहीं, ये गलत है, C भाई है भाई। ठीक, तो एक और तीन बोथ ऑप्शन नंबर D is your right answer. ये आया क्वेश्चन नंबर सेवन। इफ एम इज मैरिड टू क्यू, यानी एम की शादी क्यू से हुई है ना, एम की शादी करा दी भाई क्यू से। ओके, देन हाउ इज एम रिलेटेड टू ए? तो एम सिस्टर इन लॉ, ऑप्शन नंबर चार। ठीक, एम की शादी करा दी क्यू से, तो एम का वो से क्या रिश्ता हो गया भाई? सिस्टर इन लॉ। एम उसकी क्या हो गई? भाभी। एम ओ की क्या हो गई? भाभी, क्योंकि क्यू उसका भाई था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आठ। इफ बी इज द चाइल्ड ऑफ जे। ओके, क्यू और जे दोनों का चाइल्ड कौन? बी। तो हाउ इज बी रिलेटेड टू पी? तो बी पी का क्या हुआ? पोता, ग्रैंड सन। बी चाइल्ड बोला है तो दोनों हो सकते हैं भाई, आइदर ए और बी। ऑप्शन नंबर डी। डी क्यों? क्योंकि उसने बताया नहीं है यार, चाइल्ड लिखा है। चाइल्ड का मतलब मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, तो वो ग्रैंड सन भी हो सकता है और ग्रैंड डॉटर भी हो सकता है। दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है, तो दोनों के बीच में क्या लगाना पड़ेगा आपको? आइदर।
आइदर ऑप्शन ए और आइदर ऑप्शन बी, या तो ए आएगा आंसर या तो बी आएगा, दोनों ही एक साथ नहीं आ सकते। हाँ, पी का पूछता तो निश्चित था, दादा बनता वो, ग्रैंड फादर, लेकिन बी का ऐसा 100% श्योर नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि चाइल्ड दिया है, या सन या डॉटर देता तब जाके वो फिक्स हो जाता है ना, क्योंकि सन और डॉटर में पता चल जाता वो मेल है या फीमेल, लेकिन चाइल्ड में कभी भी पता नहीं चलता कि वो आदमी है या औरत, मेल है या फीमेल। क्लियर? ओके, चले आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुका है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। ये लीजिए भाई, आपके समय शुरू है, कोशिश करें आप, 1 मिनट है आपके पास। फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर, है ना, एक फैमिली में कितने लोग हैं भाई, 7 लोग हैं। LMNPQSNT एंड 2 मैरिड कपल्स, और कितने मैरिड कपल है इसमें, 2। एन इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एस, एन जो है वो एस की सिस्टर इन लॉ है, मतलब एस का कोई पति या पत्नी है जिसका बहन कौन है, एन। सो एन इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एस। 2 इज द डॉटर ऑफ एम, और एस डॉटर है किसकी, एम की, तो ये पति हो गया, उसके पति की बहन है एन। एल इज द ओनली सन ऑफ पी, एल इज द ओनली सन ऑफ पी, एल पी का इकलौता बेटा है। क्यू इज द सन ऑफ एस ओनली ब्रदर, एस का जो इकलौता भाई है, एस का कोई भाई भी है भाई, है ना, उसका लड़का कौन है, क्यू। क्यू इज द सन ऑफ एस ओनली ब्रदर, एस के इकलौते भाई का लड़का कौन है, क्यू। क्यू इज द सन ऑफ एस ओनली ब्रदर। पी इज द फादर ऑफ टी, पी टी का पिता है, पी टी का पिता है भाई, पी टी का पिता है। अब पी जो है उनका लड़का था एल, है ना, पी टी का पिता है, ओके, तो एल और टी आपस में भाई हो सकते हैं, ठीक। पी इज द फादर ऑफ टी एंड एम इज द स्पाउस ऑफ पी, एम इज द स्पाउस ऑफ पी, एम स्पाउस है पी का, और पी टी का पिता है, तो एम पत्नी हो गई और पी टी का पिता है, तो टी कहाँ आ सकता है अब, यहाँ। ये देखो, ये काफी कुछ क्लियर हो गई चीजें यहाँ, ओके। पी और एम हस्बैंड वाइफ है ना, उनका एक बेटा कौन हो जाएगा अब, पी टी का पिता है, टी का जेंडर नहीं पता, लेकिन ओके, टी का जेंडर नहीं पता, यहां से भी थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ है, ओके, है ना। ये देखिए अब कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा, यहां साफ से बनाते हैं, पी और एम है ना हस्बैंड वाइफ, और इनकी लड़की, इनका एक बेटा कौन हो जाएगा भाई, एल, और एल की शादी किससे हो जाएगी भाई, एन से। एल और एन हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक, और एक बेटा कौन हो जाएगा भाई, पी और एन,
फैमिली कंसिडर 7 मेंबर, LMNOPQRS, 2 मैरिड कपल्स, 2 मैरिड कपल, एक तो पीएम हो गया, एक एलएन हो गया, है ना। अब दो ही मैरिड कपल है तो तीसरा मैरिड नहीं हो सकते भाई, ये भी हो गया, इसलिए यहाँ पर भी गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, ठीक, 2 मैरिड कपल है, इसका ध्यान रखना है आपको। एन इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एस, एन जो है वो सिस्टर इन लॉ है एस की, तो एस एक डॉटर हो गई इनकी ना, एस हैज सिस्टर और एस की भी एक सिस्टर है, तो अब बचा कौन, 1 2 3 4 5 लोग हो गए, एस की सिस्टर कौन हो गई अब, टी, क्योंकि क्यू जो है वो इनका बेटा हो जाएगा, क्योंकि क्यू को थर्ड जनरेशन में जाना था यहाँ। ओके, तो क्यू किनका बेटा हो जाएगा अब, एल और एन का, और टी और एस अनमैरिड रहेंगे भाई, और ये कंप्लीट हो गया। क्या सही है भाई, बिल्कुल सही है। देखिए पी और एम हस्बैंड वाइफ है, एल और एन शादीशुदा है, उनका बेटा कौन है, क्यू, और टी और एस अनमैरिड है। ओके, ये लीजिए, हाउ इज टी रिलेटेड टू क्यू, टी का क्यू से क्या रिश्ता है, तो टी का ये क्यू का है भाई, ये है ना, तो टी का क्यू से क्या रिश्ता दिख रहा है भाई, तो टी का रिश्ता दिख रहा है क्यू से आंट। ऑप्शन नंबर ई इज योर करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ मेनी मेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली, मेल मेंबर्स कितने हैं भाई इस परिवार में, मेल मेंबर कितने हैं, 1 2 और 3, ऑप्शन नंबर ई इज योर करेक्ट आंसर, 3। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। ओके, 11 to 13, योर टाइम स्टार्ट नाउ, यू हैव ओनली 1 मिनट। ओके, माय टर्न नाउ, अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 8 मेंबर्स, आर 3 मैरिड कपल्स, नो सिंगल पेरेंट इन अ फैमिली, बी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, बी जो है बी की सिस्टर इन लॉ है, ड्रॉ कर दिया भाई हमने, बी बी की सिस्टर इन लॉ, बी बी की सिस्टर इन लॉ है। ओके, ओनली 1 मैरिड कपल है ना, नो सिंगल पेरेंट इन द फैमिली। बी बी की सिस्टर इन लॉ ड्रॉ कर दिया भाई हमने, फिर आगे क्या बोलता है, नो सिंगल पेरेंट, ठीक है, बी से तो बी एंड वाइस वर्सा। ओके, सी इज द ओनली सन ऑफ एम, सी इज द ओनली सन ऑफ एम, सी इकलौता लड़का है किसका, एम का, सी इकलौता लड़का है किसका, एम का, सी इज द ओनली सन ऑफ एम, हु इज द स्पाउस ऑफ एन, हु, एम जो है स्पाउस है एन का, एम और एन आपस में कपल है मतलब, ओके, एम और एन आपस में कपल है,
बी इज द आंट ऑफ आर, बी आर की आंट है, बी आर की आंट है और बी आंट है आर की, है ना, मतलब वी की लड़की हुई थी कौन, आर, तभी बी जो है आंट हो पाएगी। ओके चलेगा भाई। बी इज द आंट ऑफ आर, एल इज द सन इन लॉ ऑफ एन, एल एन का दामाद है, तो एल बी का जब पति होगा तभी वो इनका दामाद लगेगा, क्योंकि बी एन और एम की लड़की है। हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ क्यू, है ना, और इनका बच्चा कौन हो गया, क्यू, क्यू लड़का है कि लड़की अभी नहीं पता भाई, जेंडर नहीं पता। ग्रैंडफादर मतलब एन क्या हो गया, मेल, और एम फीमेल, ठीक। क्यू इज ओनली किड ऑफ बी, बिल्कुल सही, बी इज नॉट मैरिड टू सी, बी की शादी सी से हमारे में भी नहीं हुई है ना, सी की शादी किससे हुई होगी, बी से, और बी ऑटोमेटिक फीमेल हो जाएगा, और इन लोगों का बच्चा कौन है, आर, आर का भी जेंडर डिसाइड नहीं है। ये रहिए, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू सी, क्यू का सी से क्या संबंध है भाई, तो क्यू ये है सी से कैन नॉट बी डिटरमाइंड, वाई, क्योंकि क्यू का जेंडर नहीं पता, ऑप्शन नंबर ई इज योर करेक्ट आंसर। भाई जेंडर डिफाइन नहीं है तो आप एग्जैक्ट आंसर नहीं कर सकते कि क्यू मेल है या फीमेल है। ओके इफ एम डज नॉट हैव एनी ग्रैंड डॉटर, यदि एम की कोई भी ग्रैंड डॉटर नहीं है, यदि एम की कोई भी ग्रैंड डॉटर नहीं है, ओके, देन हाउ इज मैनी, हाउ मेनी मेल मेंबर इन द, हाउ मेनी फीमेल मेंबर इन द फैमिली, क्योंकि मतलब ये दोनों मेल है ऐसा कह रहा है वो, ओके, तो कितनी फीमेल है, एक दो तीन, ठीक। एम की कोई भी ग्रैंड डॉटर नहीं है तो ये लोग ग्रैंड डॉटर थी, मतलब ग्रैंड डॉटर हो सकती थी, है ना, इनकी जेंडर डिसाइड नहीं थी, लेकिन उसने बोल दिया कि ये दोनों मेल है। अब बताने को आपको बुलाया कि कितने फीमेल सदस्य हैं, सो द राइट आंसर इज थ्री, है ना, कौन कौन है, ये दो और ये तीन। चलिए आगे बढ़ सकते हैं, तो ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग द स्पाउस ऑफ सी, सी का स्पाउस कौन है, बी, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 टू 15, 14 से 15, चलिए आपका एक मिनट शुरू है भाई, फटाफट ड्रॉ करें। ए बी सी डी ई है, चलिए मेरी बारी आ गई, पांच ही लोग है भाई, है ना, थ्री जनरेशन में, देयर इज ओनली वन मैरिड कपल, ई इज द मदर ऑफ ए, ई जो है माँ है किसकी, ए की, हू इज अ फीमेल, ए एक फीमेल है, डी हैज ओनली वन ब्रदर, डी का केवल एक भाई है, डी का केवल एक भाई है, ओके, बी इज द फादर ऑफ सी, बी सी का पिता है, अलग स्क्रॉ कर लो भाई, बी जो है पिता है सी का, है ना, हु हैज ओनली वन डॉटर, सी की केवल एक लड़की है, सी, हु हैज ओनली वन डॉटर, सी डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, सी का कोई भी भाई बहन नहीं है, डी इज अनमैरिड फीमेल, और डी जो है वो अनमैरिड फीमेल है, ठीक है, पांच लोग में भी फंसा देता है वो आपको, है ना, अब ये तीन जनरेशन बन गया है ना, तो मतलब बी तो सबसे ऊपर की जनरेशन का होगा, ठीक, और बी की शादी अब किससे होगी भाई, तो यहां से पता चलता है, देखो देयर इज ओनली वन मैरिड कपल, एक ही मैरिड कपल है भाई, है ना, वन मैरिड कपल है, तो
जरूरी नहीं है फिर बी मैरिड कपल हो, फिर कौन हो सकता है भाई, बीच वाला भी मैरिड कपल हो सकता है, क्योंकि तीसरे जनरेशन के आने के लिए आपको एक मैरिड कपल लगेगा। ई इज द मदर ऑफ ए, ई ए की माँ है ना, और ए एक फीमेल है, ठीक। तो ए जो है वो तीसरी जनरेशन बनेगी, बी जो है वो सबसे फर्स्ट जनरेशन बनेगी, और सी अब कहाँ जाएगा ऑटोमेटिक, यहाँ। तो ई और सी आपस में क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये तीन जनरेशन है, बी को सबसे ऊपर जाना ही था, ठीक है। अब सी आ जाएगा यहाँ, और ये मैरिड कपल हो जाएंगे ई और सी, तो ये होगा 1 2 3 4 लोग। पांचवे को कहाँ लाना था, बी इज द फादर ऑफ सी, बी इज द फादर ऑफ सी हु हैज वन डॉटर, बी इज द फादर ऑफ सी, बी इज द फादर ऑफ सी, है ना, बी जो है सी का पिता है, और बी सी का पिता है, बी इज द फादर ऑफ सी, और सी का एक लड़की है, ठीक, सी की तो एक लड़की है ही है, यहां तक तो क्लियर था है। और सी डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, सी का कोई भी सिबलिंग नहीं है, ओके। तो डी इज एन अनमैरिड फीमेल, डी एक अनमैरिड फीमेल है, तो वो कौन हो जाएगी भाई, बी की बहन हो जाएगी, क्योंकि ए का कोई सिबलिंग नहीं, सी का कोई सिबलिंग नहीं, तो बचा आप एक ही जगह, तो ऑटोमेटिक वो कौन हो गए भाई, डी इज सिस्टर ऑफ बी, ठीक है। चलो देख लेते हैं, जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ये देखिए बी और डी आपस में हस्बैंड वाइफ नहीं है भाई, ये एरो बना है ना, तो डी जो है बहन है किसकी, बी की, और सी और ई एक हस्बैंड वाइफ है, उनका बच्चा कौन था, इसकी लड़की ए। हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, सी का डी से क्या रिश्ता है भाई, सी डी का लगा नेफ्यू, ठीक। और फिर हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ए का बी से क्या रिश्ता हुआ भाई, ए का बी से ग्रैंड डॉटर, ये लीजिए भाई ऑप्शन नंबर बी, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ चुका है भाई, 17 16 to 18, फटाफट पढ़ के ड्रॉ करते हैं भाई, क्योंकि समय कम बचा है तो आपको टाइम नहीं दे पाऊंगा मैं। 8 people, ई एफ जी एच आई जे के एल ना, देर आर 3 couple आर 3 generation, 3 generation है भाई, है ना, 1 2 3, और 3 ही couple है उसमें, देर आर एन इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन द फैमिली, ओके। जी इज द ग्रैंडफादर ऑफ एच, जी जो है वो ग्रैंड फादर है किसका, एच का, ये ड्रॉ कर दिया भाई। हु हैज अ कजिन एफ, जिसका एक कजिन है कौन, एफ, कजिन एफ, एल इज द मदर ऑफ एफ, आई इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ के, आई इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ के, ये लाइन काम की अभी नहीं है हमारे, द सिस्टर इन लॉ ऑफ के, हु इज द सन ऑफ ई, और के जो है वो किसका बेटा है भाई, ई का, के जो है वो किसका बेटा है भाई, ई का, ये जो है किसका बेटा है वो ई का, सन ऑफ ई, जी हैज नो डॉटर, जी की कोई भी लड़की नहीं है, तो जी का जो भी है वो कौन है, लड़का है, ओके। यहाँ जो भी आएगा मेल आएगा, एफ इज द नेफ्यू ऑफ जे, एफ जे का नेफ्यू है, नेफ्यू है ना, भतीजा, 8 लोग है भाई, है ना, 1 2 3 4 5, अब एफ को आप यहाँ रख दो, ठीक। एफ यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन एक लाइन और क्या है, एल हैज नो सिबलिंग, एल क्या कोई सिबलिंग नहीं है, ओके। अब यहाँ से काम बन जाएगा हमारा, है ना, एफ इज द नेफ्यू ऑफ जे, एफ यहाँ ऑलरेडी है, एफ किसका नेफ्यू है भाई, जे का, और ये नेफ्यू कब बनेगा, जब जे यहाँ होगा भाई, है ना, और जे की शादी किससे हुई होगी फिर, तो जे की शादी, यहाँ लिखा था अभी एक लाइन, आई इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ के, है ना, तो आई सिस्टर इन लॉ होगी के की, कब, जब के एल का हस्बैंड होगा, ओके। तो की और एल हस्बैंड वाइफ हो गए, इनका लड़का है एफ,
आई और जे हस्बैंड वाइफ होगा, इनका बच्चा है कौन, एच, है ना, इनकी लड़की है एच, ठीक, ओके। और एच का एक कजिन है एम, ये भी सही हो गया, सारी लाइनें क्लियर हो गई। अब बचा कौन, बस सारे कंप्लीट हो गए। ये देखिए हमारा भी ऐसे ही है भाई, जी का लड़का था जे, जी हाँ बिल्कुल सही है, एच, के का बच्चा है एफ, ठीक। के और एल के माता पिता नहीं दिए भाई। हु अमंग द फॉलोइंग ऑफ एच पेरेंट्स, एच के पेरेंट्स कौन है, आई और जे, आई और जे, क्या सही आंसर निकाला है भाई? जी हाँ बिल्कुल सही आंसर निकाला है ना। हु अमंग द फॉलोइंग ऑफ एच पेरेंट्स, एच के पेरेंट्स कौन है भाई, आई और जे। फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव लाइक अ सर्टेन वे एंड दस फॉर्म और ग्रुप, इसका मतलब क्या हुआ कि चार जो है आपस में एक जैसे हैं और एक ग्रुप बनाते हैं एज पर गिवन अरेंजमेंट, दिए गए अरेंजमेंट में। हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग दैट ग्रुप, ऐसा कौन है, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग दैट ग्रुप, ऐसा कौन है जो उस ग्रुप में शामिल नहीं है। तो अब देखिए जे, यहां देखना पड़ेगा भाई, जे मेल है, आई क्या है, आई फीमेल है, ओके, के क्या है, मेल है, एल क्या है, फीमेल है, तो दो मेल दो फीमेल, एफ जो है, अच्छा एफ अलग है भाई, बाकी के चारों देखिए आप एक ही जनरेशन के हैं, सेकंड वाली, बाकी के चारों आप देखिए सेम जनरेशन के हैं, लेकिन एक जो है एफ वो उस जनरेशन का नहीं है जिसके ये तीनों है, सॉरी चारों है ना, आई जे के एल एक ही जनरेशन के सदस्य है, बट एफ उस जनरेशन का नहीं है, और वो एफ किसकी जनरेशन का है, एच की, है ना, एफ और एच दोनों क्या है आपस में कजिन है ना, और इसीलिए जी और ई को भी इसमें सम्मिलित नहीं किया क्योंकि वो भी इन दोनों की जनरेशन के नहीं है, वो तो सबसे ऊपर की जनरेशन है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज एफ, ऑप्शन नंबर ई इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, हाउ इज आई एल आर रिलेटेड टू जी एंड ई, आई और एल कैसे संबंधित है जी और ई से, आई और एल का है भाई ये, आई और एल कैसे संबंधित है जी और ई से, डॉटर इन लॉ, दोनों की दोनों क्या है भाई ये बहुए हैं, है ना, दोनों की दोनों आपस में क्या है भाई बहुए हैं, तो डॉटर इन लॉ इज योर करेक्ट आंसर। अगेन मैच कर लीजिए, हाँ जी बिल्कुल सही, डॉटर इन लॉ ही है ये दोनों, दोनों के हस्बैंड है जे और के, है ना, और ये दोनों के एक एक बच्चे भी हैं, आई और जे का बच्चा है एच और के और एल का बच्चा है एफ, है ना, तो दोनों की दोनों बहुएं हैं जे और ई की, ठीक, जिनमें से ससुर कौन है जी और सास कौन है ई। काफी आसान रहते हैं भाई ऐसे क्वेश्चन करने में, आपको बस ध्यान से क्या आपको पढ़ना पड़ता है, शुरू का जो डायरेक्शन दिया होता है ना उसको ध्यान से पढ़िए और ड्रॉ करना शुरू कर दीजिए। ड्रॉ कैसे करते हैं भाई, प्लस और माइनस का जरूर ध्यान रखें, जिसके भी जेंडर पता चलता है कि मेल है तो तुरंत प्लस लगा दे और फीमेल है तो तुरंत माइनस लगा दे, क्योंकि जेंडर यदि आप धोखे से भूल गए तो फिर वो आगे जब लास्ट में जाता है क्वेश्चन तब आपको परेशान कर सकता है, तब आपके लिए बड़ी परेशानी बढ़ा सकता है वो, है ना, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है जब तक सॉल्व हो रहा है, लेकिन लास्ट में फिर आपको आंसर निकालते वक्त समस्या में डाल सकता है वो, ठीक है, तो जेंडर जरूर बनाते चले, ओके। चलिए आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट की तरफ, ओके।
टोटल आज हमने कितने क्वेश्चन किए, अभी 18 क्वेश्चन किए है ना। इन्हें आप जरूर दोबारा ट्राई करें, है ना, वीडियो को आप दोबारा देखें और दोबारा ट्राई करें भाई, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बढ़िया है जो हमने छाट के लाए हैं। और देखिए सभी पजल्स के फॉर्म है, अभी दो फॉर्म और बाकी है, कौन कौन से, इंट्रोड्यूसिंग फॉर्म जिसे पॉइंटिंग फॉर्म भी कहते हैं भाई, और कोडिंग फॉर्म है ना। अभी इसके भी क्वेश्चन हम करेंगे, क्योंकि ये 1 मार्क्स में बहुत ज्यादा आता ही आता है। 1 से 2 क्वेश्चन आप SSC में भी देखोगे, बैंक में भी देखोगे, रेलवे में भी देखोगे इसके। और कोडिंग फॉर्म ये सबसे ज्यादा कायम में पूछता है भाई, मेंस में पूछता है ना। लास्ट आप मेंस के पेपर दिखाओ देखोगे तो कोडिंग फॉर्म सबसे ज्यादा आया हुआ है भाई, ठीक है। इन दोनों को छोड़ना नहीं है हमको, क्लियर। चलिए तो आज के हिसाब से मेरे ख्याल से भरपूर है, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।